मैंने कहा था पिछली वीडियो में एपिसोड 7 और एपिसोड 8 पासा पलट सकते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं सही भी था। शी हल्क एपिसोड 8 रिबिट एंड रिपिट शुरू होता है अपने लेम हरकतें करते हुए एक और बिगड़ैल बाप की बिगड़ी औलाद जिसे लीपफ्रॉग कहा जाता है उसके साथ। और सच कहूं तो इसकी हरकतें देखकर एक पल के लिए तो मैं भी सोच रहा था कि अबे यार फिर वही वक्त चोरी शुरू। और इस फाइट सीन में ही भाई साहब का रॉकेट उड़ना बंद हो गया। एक मिनट, ये थोड़ा डबल मीनिंग सा नहीं लग रहा? हां, तो इस सूट का डिजाइनर था ल्यूक जिसने शी हल्क का कॉस्ट्यूम भी बनाया था, एंड जीएलकेएच अपनी हरकतों से मजबूर शी हल्क को ही इस फुदकते मेंढक का केस दे देती है। लेकिन शी हल्क ने खतरा पहले ही भाप लिया था। उसे पता था कि ल्यूक के अगेंस्ट जाने पर वो शी हल्क के लिए कोई भी कॉस्ट्यूम नहीं बनाएगा, जो होना ऑब्वियस भी था, एंड ऐसा ही हुआ भी। ल्यूक गुस्से में शी हल्क के सामने ही उसकी ड्रेस फाड़ देता है। अबे यार तेरा रोज का है डबल मीनिंग बातें करवा लो बस। अबे जानबूझ के थोड़ी करता हूँ मैं, वो तो हो जाता है। फिर हमें कोर्ट दिखाया जाता है जहाँ शी हल्क, उसका क्लाइंट ल्यूक, जज साहब और 3-4 और भी वकील हैं जिन्हें तुमने इतना गंदा ब्लर मारा है इस बंदे के आते ही कि बस पूछो मत। ल्यूक भैया के लॉयर है मैट मर्डॉक, एके डेयर डेविल, और फाइनली मैं इस गाने को भी अब लगा सकता हूँ। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। इसके बाद हमें थैंकफुली एक सीरियस और मैच्योर हेयरिंग देखने को मिलती है जिसको देखने के लिए मेरी और तुम्हारी आंखें तरस गई थी, जहां मैट और शी हल्क दोनों ही काफी सीरियसली कोर्ट को लेते हैं और अपने पॉइंट्स रखते हैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी बकचोदी के साथ। और मैट केस जीत जाता है लीपफ्रॉग के इंस्ट्रक्शन मैनुअल ना पढ़ने वाली बात को हाईलाइट करके। और फर्स्ट टाइम हमें शी हल्क को केस हारते हुए दिखती है। दम में तेरे में स्टेट लेवल चैंपियन को हराया तूने, रे दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से हारा है तू। इसके बाद हमें मैट और जेन के बीच में एक कॉन्वर्सेशन देखने को मिलती है जो बार में टेक प्लेस कर रही है, जहां मैट जेन को अपने लॉयर प्रोफेशन के बारे में बताता है और साथ ही वो उसे ये भी समझाता है कि वो लोगों की दोनों तरफ से मदद कर सकती है, एज अ लॉयर भी और एज अ शी हल्क भी। जिसके बाद मैट जेन को गोली देकर वहां से निकल जाता है और जेन भी अपने घर पहुंची ही होती है कि उसके पास कॉल आता है लीपफ्रॉग का जो उससे हेल्प मांग रहा है, जिस पर वो अपना शी हल्क वाला आइकॉनिक सूट निकालती है और पहुंच जाती है लीपफ्रॉग की हेल्प करने। और उसके पीछे पड़ा होता है हमारा डेयर डेविल। थैंक गॉड इस एपिसोड में हमें डेयर डेविल भी दिखा दिया, वरना सिर्फ मैट से समझौता करना पड़ता। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन 8 एपिसोड में हमें सेकंड टाइम ही कोई ढंग की फाइट देखने को मिली होगी शी हल्क की ब्रूस बैनर के बाद। और केस में हारने का बदला शी हल्क डेयर डेविल को यहाँ पर हराकर ले लेती है। देन मैट उसे बताता है कि देखो भैया हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है इस लीपफ्रॉग से, इसने हमारे क्लाइंट को उठाया तो हम इसे उठाने आ गए। तो जेनिफर को अपनी गलती समझ आती है और वो डेयर डेविल के साथ ल्यूक को बचाने चल देती है। फिर यहाँ हमें डेयर डेविल के कुछ नॉस्टैल्जिक सीन्स देखने को मिले जो कि डेयर डेविल सीरीज जैसे ही लग रहे थे, डार्क टोन सेम सीक्वेंस के साथ। एंड डेयर डेविल और शी हल्क मिलकर ल्यूक को बचा लेते हैं और ल्यूक भी शी हल्क को माफ करके उसका सूट बनाने के लिए रेडी हो जाता है। और उसके बाद हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला, शी हल्क और डेयर डेविल के बीच की केमिस्ट्री, जहां मैट उसे नेक्स्ट टाइम न्यूयॉर्क आने पर डिनर पर ले जाने की बात करता है और जेन के तो कुछ और ही प्लान्स हैं जिन्हें एग्जीक्यूट करने में इन दोनों ने जरा सी भी देर नहीं लगाई। और खैर एक अच्छी हसीन रात के बाद आ गया डे ऑफ गाला, जिसको फोर्थ वॉल ब्रेक करके शी हल्क रिफर भी करती है कि अगला एपिसोड है फिनाले, जिसमें प्रोबेबली हमें रेड शी हल्क भी देखने को मिल सकती है, जो 90% कंफर्म करता है कि इसकी विलेन रेड शी हल्क ही होगी। और ये चीज सेंस इसलिए भी बनाती है बिकॉज जेन के ब्लड के पीछे लोग इतना लगे पड़े हैं, तो ऐसे में एक और हल्क देखने को तो मिलना ही चाहिए। और मैं मिलेगी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शी हल्क को किसी फीमेल हल्क से ही लड़वाएंगे, जैसे कि हल्क को एबोमिनेशन से लड़वाया था। और फिर हमें गाला के कुछ शॉट्स देखने को मिलते हैं जहाँ जेनिफर को बेस्ट लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है विद 5 अदर्स, जिसमें से हमारी मैलरी बुक भी है एक। और जेन अपनी अवार्ड स्पीच दे ही रही होती है कि पीछे स्क्रीन पर इंटेलिजेंसी अपनी औकात दिखा देती है। वो शी हल्क के सारे पर्सनल मैसेजेस, डेटा, पिक्चर्स और वीडियोस को स्क्रीन पर चला देते हैं जो जॉश ने उस रात गायब किए थे, एंड इसे देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा रेज में आ जाती है। एंड मैलरी मामले की गर्मी को समझते हुए शी हल्क को शांत होने के लिए बोलती भी है, पर वो अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाती और स्क्रीन पर बहुत जोर से पंच करती है, जिस पर वहाँ बैठे सभी लोग उसे डर के भागने लगते हैं। इसी बीच शी हल्क की नजर पड़ती है इन 3-4 लोगों पर जो मास्क पहनकर उसकी वीडियो बना रहे थे, और वो समझ जाती है कि यही लोग हैं जो इंटेलिजेंसिया के साथ मिले हुए हैं। बस फिर तो वो गुस्से में इनके पीछे जाती है, जिनमें से एक को वो पकड़ भी लेती है, बट शी लेट हिम गो बिकॉज वो अपने सेंसेस में वापस आने लगती है। एंड दिस एपिसोड एंड्स हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था भाई ये, इतनी सारी चीजें एक ही एपिसोड में जो लोगों के थॉट्स इस सीरीज को लेकर ट्विस्ट कर सकती हैं। आई एम श्योर जो लोग इस सीरीज को एंटरटेनिंग नहीं बोल रहे थे उनकी इस एपिसोड के बारे में राय कुछ और ही होगी। अब हाँ, एपिसोड शुरू होता है वही सेम लेम बकचोदी के साथ, पर मैट मर्डॉक की एंट्री के साथ थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग सीरियस और आई नो नेक्स्ट एपिसोड में शिट इज गोइंग टू बी रियल। मुझे पहली बार शी हल्क में कोई हियरिंग इतनी पसंद आई बिकॉज दे स्टूड ऑन फैक्ट्स विद सम सीरियसनेस, वरना अभी तक तो बस चुतियापे ही हो रहे थे इसमें। इसके अलावा मैट की बातों का भी जेन पर काफी असर हुआ, एंड दैट्स व्हाई वो ये सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर लीपफ्रॉग की मदद करने गई। और ये शी हल्क वर्सेस डेयर डेविल वाली फाइट भी यार एक नंबर थी, ऐसा ही तो एक्शन चाहिए था हमें इस सीरीज से। और तुम क्या बकचोदी दिखा रहे थे पिछले 7 एपिसोड से, और ऐसे कुछ फाइट सीन्स के साथ ऐसी कुछ रातें भी चाहिए मुझे अपनी जिंदगी। तू फिर शुरू हो गया यार। अरे ठीक है, आई विल स्टिक टू द टॉपिक।
तो एट लास्ट ये गाला वाला सीन जिसने शीहल को इतना ट्रिगर किया दिखाता है कि ब्रूस वाज राइट अबाउट हल्क। ऊपर से वो कितना भी कंट्रोल में दिखे पर जब से जेन शीहल बनी है उसकी लाइफ में ऐसा कोई इतना बहुत बड़ा ट्रिगरिंग मूवमेंट नहीं आया जो उसके शीहल को लेकर कंट्रोल को टेस्ट कर सके। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जो उसे ऐसी सिचुएशन में चीजों को हैंडल करना था बट शी फेल्ड। अब हाँ, शीहल्क ने जो किया उसकी जगह अगर तुम या मैं होते तो हम भी सेम चीज ही करते, पर ये सब करने के बाद चीजें सुधरेंगी नहीं बल्कि और ज्यादा बिगड़ जाएंगी, बिकॉज यही तो इंटेलिजेंसिया का प्लान था, शीहल्क को ऐसे ट्रिगरिंग मूवमेंट में डालना जहां वो ऐसा कुछ करे कि लोग उससे डरे एंड दे इवेंचुअली स्टार्ट हेटिंग हर। बट आई एम श्योर कि ये सीरीज अगले एपिसोड का एंड आते आते अपने फैलाए रहते को समेट ही लेगी, बिकॉज हो ना हो इस सीरीज को हैप्पी एंडिंग पर ही एंड होना है। अब ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा और तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन हो सकती है रेड शीहल्क मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड आई जस्ट विश टाइटेनिया ना हो। और मैंने शीहल्क के बाकी एपिसोड्स पर भी बात कर रखी है जिसकी प्लेलिस्ट तुम्हारी स्क्रीन पर आ गई होगी, उसे भी जाकर चेकआउट करो और सब्सक्राइब करो द वॉचर चैनल को ऐसे ही पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। बाकी तो मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए होती है फिर।